राजधानी लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र के राम विहार कॉलोनी में बदमाशों ने नई खाकी का कॉफ कल दिनांक 5/2/2020 को सुबह 8:45 पर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। 60 साल के बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त 8 से 9 दबंगों ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, लोहे की रॉड व डंडों से बुरी तरह पीटा। बुजुर्ग हुआ लहूलुहान, जिसकी वीडियो हुई वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कार्यवाही न होने के कारण गुस्साए पीड़ित के घर वालों ने किया राम विहार कॉलोनी की सड़क जाम। मौके पर पहुंचे पारा थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स ने गुस्साए पीड़ित के घर वालों को समझा बुझा कर सड़क का जाम खुलवाया। वहीं पीड़ित की बेटी का कहना है कि पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही, पुलिस ने कल रात एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। वहीं पीड़ित की बेटी का कहना है कि पूछने पर थाना प्रभारी ने कहा है कि हमने छोड़ दिया। पीड़ित की बेटी का यह भी कहना है कि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि थाने के पास आकर धरना दोगी तब कार्यवाही होगी। मामला ये, कल कुछ लोगों ने हमारे पापा को, बच्चे स्कूल छोड़ने गए थे वहाँ पे मारा है, और हम लोग कल से थाने के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक मुजरिम को पकड़ा भी गया तो वहाँ पे थाने वालों ने छोड़ दिया, हम उसका जवाब मांग रहे क्यों छोड़ा गया। जब्बार नाम है, उसको कल पकड़ा गया था, उसको 24 घंटे भी नहीं रखा गया और उसको छोड़ दिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है उनके नाम से, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम लोग आज पूरा दिन हम लोग थाने में रहे लेकिन बस यही कहा जा रहा था कार्रवाई होगी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग फिर लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं। अच्छा, अब जब हम लोग वो लोग यहाँ आसपास आते हैं लाठी डंडे लेके घूमते हैं, जैसे हम लोग फोन करते हैं वहाँ से कोई पहले ही फोन करके उनको बता देता, जब तक पुलिस आती है वो लोग भाग जाते हैं। हम लोग का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जी कई लोग थे आपके पिताजी पे? 6 लोगों ने हमारे पिताजी पे हमला किया, बेलचा और सरिया से। क्या नाम है उन लोगों का? कुछ उन लोगों ना, हाँ हब्बी नाम है, सुएब शरीफ और दिल्ला अरबी, छोटू जब्बार। कोई पुरानी रंजिश है उनसे? कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनसे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ना हमारे को। हमें इसी बात का जवाब चाहिए किस लिए ये किया है। आप लोग ने रोड जाम की है, किस चीज को लेकर के जाम किया है? सुनवाई से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, इसीलिए हम लोग को रोड जाम करना पड़ा। और ऐसे महोदय भी यहाँ पे आके ये कह रहे हैं कि थाने पे आके जब आप लोग धरना देंगे तभी कुछ होगा। बच्चों छोड़ने गए थे स्कूल, स्कूल में जो कब कल सुबह 9:45 जी, क्या हुआ आपके साथ? और तभी जो है वो लोग जो है वहाँ खड़े हुए थे, घड़ा लगाए हुए जी, मारने लगे जो है बेलचे। लोग थे? थे 9 लोग थे। 9 लोग जी। कोई पुरानी रंजिश है आपकी उनसे? कोई रंजिश नहीं पुरानी। कहाँ रहते हैं वो लोग, क्या नाम है उनका? यहीं पीछे रहते हैं। किसी का नाम मालूम है आपको? नाम सबका मालूम है। क्या नाम है बताएंगे? शरीफ, दिल्ला हबीब, सोएब और अरबी, मेहंदी और छोटू, जब्बार, दोनों बाप बेटे थे। कौन था आपके साथ? कोई था? बच्चे थे? बच्चे वहाँ पे थे। बच्चों के सामने मारपीट किया? हाँ, बच्चों से। कहाँ से मारा आपको? बेलचे से, और उससे डंडे से मारे हैं। आपने थाने में कोई सूचना दी? थाने में सूचना कल दी गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल कई बजे आपने घटना की सूचना दी थाने पर? सूचना वही 10 बजे लगभग दी गई है। 10 बजे दी गई। पुलिस ने किसी गिरफ्तारी की अभी तक की नहीं की? किसी एक को पकड़ा था, उसको छोड़ दिया। जब बार पूछा पुलिस से कुछ जानकारी लेने की? हमने इससे पूछा तो बोला हम छोड़ दिया जो है उसमें जो है। तो इसके बाद आप लोग 112 नंबर हम फोन किए तो पुलिस आई 40 मिनट बाद वहाँ पर। अच्छा, आपके सर पड़ गया है, चोट आई है, अभी घर वालों ने सड़क जाम कर दी थी तो मौके पर पुलिस आई तो क्या कहना उनका? वहाँ तो पुलिस भगा दिया पुलिस सबको रपटा दिया पब्लिक को।